दोस्तों क्रिकेट में डाउट का फायदा हमेशा बल्लेबाज को मिलता है, लेकिन मुंबई इंडियंस और कोलकाता के बीच हुए मुकाबले में रोहित शर्मा को इसका कोई फायदा नहीं दिया गया, बल्कि रोहित शर्मा को आउट करार दे दिया गया और इसी को लेकर अब बड़ा विवाद हो गया है। लोग थर्ड एम्पायर की अंपायरिंग को बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं कि शेम ऑन यू थर्ड एम्पायर। दरअसल दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन बनाकर आउट हो गए और जिस तरह रोहित शर्मा को आउट दिया गया उसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हुआ ये दोस्तों कि टिम साउदी के पहले ओवर की बैक ऑफ लेग गेंद को रोहित शर्मा ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह इसे मिस कर गए और गेंद विकेटकीपर के पास चली गई। हालांकि रोहित शर्मा को भरोसा था कि गेंद उनके पैर से लगकर गई है और अपील के बाद फील्ड अंपायर ने भी उसे नॉट आउट करार दिया, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने DRS लिया और जब रिप्ले में देखा गया तो बैट और बॉल के बीच गैप नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी अल्ट्रा एज पर बड़े स्पाइक्स दिखे और थर्ड एम्पायर ने इसे ही नजरअंदाज करके रोहित शर्मा को आउट दे दिया। थर्ड एम्पायर का मानना था कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के पास गई है। थर्ड एम्पायर के इसी फैसले के बाद रोहित शर्मा भी हैरान दिखे और अब थर्ड एम्पायर के इसी फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। लोगों का कहना है कि इतने बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में टेक्नोलॉजी भी उच्च लेवल की होनी चाहिए, ना कि इस तरह की कि बॉल और गेंद के बीच गैप होने के बावजूद अल्ट्रा एज में स्पाइक्स दिख रहे हैं। साथ ही थर्ड एम्पायर के फैसले को गलत बता रहे हैं। इस पूरे ही विवाद पर आपका क्या कहना है?